बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में एक विवाद हो गया है और इसको लेकर के अब वो पुलिस के पास भी पहुंच गए हैं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव निजी दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए थे, जहां शुक्रवार की रात होटल को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री का सामान रात में ही होटल के कमरे से बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने होटल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। शिकायत के बाद वाराणसी के सिगरा थाना पुलिस होटल पहुंचकर जांच में जुट गई है। मंत्री तेज प्रताप यादव अपने निजी प्रोग्राम को लेकर वाराणसी गए हुए थे। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के एक होटल में तेज प्रताप यादव रुके हुए थे। वहां उन्होंने होटल में 205 और 206 नंबर का कमरा बुक किया था। सुबह के समय मंदिर दर्शन और गंगा आरती को लेकर तेज प्रताप यादव निकले हुए थे, जिसके बाद वो देर रात होटल वापस आए तो पता चला कि उनका कमरा किसी और को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद तेज प्रताप के सहायक ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। होटल प्रबंधक के इस व्यवहार से नाराज तेज प्रताप के सहायक ने पुलिस से होटल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि तेज प्रताप यादव का कमरा शुक्रवार की रात 12 बजे तक के लिए बुक था। प्रबंधक पर कमरा पहले खाली कराने का आरोप लगा है। तेज प्रताप यादव जब होटल पहुंचे तो देखा कि उनका सामान बिना सूचना के ही निकालकर होटल के रिसेप्शन पर रख दिया गया है। यह देख मंत्री जी नाराज हो गए और इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस की टीम होटल पहुंचकर होटल प्रबंधक से पूछताछ सहित आगे की कार्रवाई में जुटी है।